टुडे की टीम पहुंची हुई है बेलागंज प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत एरकी में। ग्राम पंचायत यात्रा के दौरान खास बातचीत हुई है प्रत्याशी मंजू देवी से, जिनका चुनाव चिन्ह मिला है टेम्पू छाप में उनके तमाम समर्थकों से। आइए देखते हैं खास एपिसोड चंदन भारती के साथ। बिहार में पंचायत का चुनाव चल रहा है। पंचायत के चुनाव में पूरे बिहार में एक शुभ लग्न की तरह जिस तरह से माहौल बनता है, हर गांव में, हर पंचायत में, हर लोग में एक कोरोना के बाद कहिए एक लहर सा समा गया है, वो है अपने अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए। मैं अभी हूँ बेलागंज। बेलागंज प्रखंड का एरकी पंचायत है। एरकी पंचायत के वर्तमान मुखिया मंजू देवी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और साथ साथ उनके तमाम समर्थक। जब हमारी टीम बिहार टुडे की पंचायत यात्रा पर निकली तो जबरदस्त का इनका समर्थन देखने को मिल रहा है। न जात, न पात, न मजहब, हर कोई, हर लोग, हर वर्ग से सपोर्ट कर रहे हैं। जब ज़्यादा है जानकारी जानने की कोशिश की तो मालूम चला कि मंजू देवी ने सबका साथ, सबका विकास के साथ में काम किया था। इसी वजह से हर लोग इनके साथ में हैं, चाहे किसी भी समाज से हों, दलित हों, महादलित हों, सुवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग इनके साथ में हैं। बात करने के लिए आज हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। देखिए अपने अपने हाथों में तख्ती लिए हुए हैं मंजू देवी, जिनका चुनाव चिन्ह टेम्पू मिला है, यानी सवारी, जो टेम्पू सवारी होता है वो मिला है, क्रमांक संख्या 4 है। आज इनसे हम बात करेंगे कि क्या जरूरी है कि एक बार फिर से इनका, आप किसका समर्थन करने जा रहे हैं इस बार पंचायत चुनाव में? मंजू देवी को। क्यों? अभी वर्तमान में है, किस तरह का विकास हुआ है आपके पंचायत का? विकास बहुत सा हुआ, हर पंचायत से अच्छा हुआ है। आप देखिए बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग से बात करना चाहेंगे। चाचा, आप इस बार आपकी जो प्रत्याशी हैं मंजू देवी जी, उनको आप उनके समर्थन में आ पाए हैं, क्या बात लगता है? उनके पति समाज सेवी उमा शंकर जी हैं, किस तरह का माहौल आपके पंचायत में है, विकास हुआ है? बहुत बेहतर सर। नल सारा सारा पंचायत से हमारा मतलब मुखिया जी सारा काम करवाए हैं गाँव में, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। आइए हम एरकी पंचायत में आए हुए हैं और एरकी पंचायत के हर एक लोग से हम जानेंगे कि किस तरह से विकास हुआ है आपके पंचायत में। कई लोग यहाँ पर हैं जो अपने समर्थन कर रहे हैं मंजू देवी जी का। चाचा, ये बताइए कि आप मंजू देवी जी को क्यों समर्थन कर रहे हैं, क्या बात है कि जो वर्तमान मुखिया हैं उन्हीं को फिर अब दोबारा देखना चाहते हैं? इसलिए देखना चाहते हैं कि 10 साल मुखिया यहाँ रहा था हरजन सीट में जी, पूरी नली गली रोड फोड़ एरकी में कहीं कुछ नहीं हुआ था जी, नर्क बनल था। 5 साल ही मुखिया रहे हैं, नर्क के स्वर्ग बनाए हैं, इस वजह से हम लोग गरीब कद के आदमी इनको पीछे लौट रहे हैं। हम बहुत सारे पंचायत का भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन किसी भी पंचायत में अभी तक पंचायत सरकार भवन भी नहीं बना है, लेकिन आपके पंचायत में आया है। कैसा लगता है जब पंचायत सरकार भवन बनेगा और आपका हर काम भवन में होगा? हाँ सर, एक नंबर काम हमको किए हैं और काम करने जा भी रहे हैं। आगे चल के हम भी सोच रहे हैं कि आओ आगे विकास के काम होगा। नीतीश कुमार जी का सपना था 7 निश्चय का, 7 निश्चय का सपना को आपकी मुखिया जी पूरा कर रही है कि नहीं? बहुत अच्छा से काम किए हैं। अच्छा। 7 निश्चय का काम जी, जो जल नल पानी जनता को मिल रहा है और पंचायत सरकार बनाने के योगदान मुखिया जी का ही देन है कि हमारे पंचायत में और गांव के बीच बीच में आकर बना है। देखिए एक बात मैं बता दूं कि अगर मुखिया अगर आपका मजबूत रहेगा तो फंड लाया जाता है, फंड कोई आपको आकर देगा नहीं, फंड के लिए हक की हुकूक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। उनको जानकारी होना चाहिए कि कैसे फंड लाया जाता है, जो कि वर्तमान की मुखिया में बखूबी वो चीज है। और भी कुछ लोग हैं, युवा है, नौजवान है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान की मुखिया है उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि जो अब मुखिया बनेंगे एक बार फिर से आपके समर्थन से तो और भी बेहतरीन चीज होगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जितना 5 साल में विकास हुआ है हमको तो नहीं लग रहा है कि पूरा बिहार भर में इतना विकास किए होंगे। और ऐसा क्या चीज जो ये मुखिया बनेंगे अभी नहीं हुआ है, बनने के बाद आप लोग मुखिया जी से कहेंगे कि हमारे पंचायत में ये चीज भी होनी चाहिए? अभी जितना जो अधूरा काम पड़ा हुआ है। अच्छा, तो हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि पूरा हो जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर समाज से लोग हैं, चाहे दलित, महादलित, स्वर्ण, सभी लोग एक सुर में यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं उमा कांत जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं। उनकी धर्मपत्नी मंजू देवी जी चुनावी माहौल में एक बार फिर से ताल ठोक रही हैं एरकी पंचायत से। एरकी पंचायत जो कि बेलागंज प्रखंड के अंतर्गत में है। जीतेगा भाई, जीतेगा मंजू देवी, जीतेगा। पंचायत का मुखिया कैसा हो, मंजू देवी कैसा हो।
आपसे जानना चाहेंगे जो पंचायत का विकास हुआ है आपका, कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। चाचा हम ये पूछना चाहते हैं कि एक बार फिर से मंजू देवी जी को आप देखना चाहेंगे? हाँ, हम तो मंजू देवी जी को फिर से देखना चाहेंगे। देखना चाहेंगे? अच्छा, और पंचायत भी घूमते होंगे आप, बुजुर्ग हैं, कई पंचायत गए होंगे, कई पंचायत से कैसा आपका पंचायत है रोड के मामले में? पंचायत बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। सबका समर्थन है? जी हाँ, हमारे तरफ सब पूरे समर्थन समर्थन है। एक माहौल बना हुआ है इस पंचायत में, और भी कई प्रत्याशी हैं, सभी अपने अपने दावे हैं, सबके समर्थन अपने अपने कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान की मुखिया एंटी कन्वेंसी बहुत जगह देखा गया है, हर पंचायत में जाते हैं तो लगता है कि जो वर्तमान की मुखिया है उनसे अच्छा नया मुखिया को चांस दिया जाए, लेकिन यहाँ जब हम आए हैं तो यहाँ की तस्वीर ही अलग है। तस्वीर है समर्थन का अपने जो वर्तमान मुखिया है, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है जिसके वजह से हर लोग उनके साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक सर से मैं बात करना चाहूंगा कि एक चीज और हमको बताइए, नीतीश कुमार जी का एक सपना था कि हर घर तक रोड होगा, आपके पंचायत में आपके गांव में रोड पहुंची है कि नहीं पहुंची? बहुत अच्छे से रोड पहुंच गया, गली नली सब पक्कीकरण हो गया हमारे गांव में। अच्छा। और हमारे सारे पंचायत में पक्कीकरण का कार्य जो अधूरा है वो भी पूर्ण होने जा रहा है। हम लोग पूरे पंचायत वासी मंजू देवी को इसलिए वोट देंगे, आजादी के बाद से आज तक एरकी पंचायत में जितना पिछले 5 साल में काम हुआ है आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ था, इसलिए वोट देंगे। यहाँ रोड बना है, नाली बना है, पंचायत भवन बना है जी, और सबके बीच सहज उपलब्ध रहती है, पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, इसलिए हम लोग इनको वोट देंगे। बात मैं बता दूं कि जैसे ये बता रहे हैं कि आजादी के बाद यानी 70 साल के बाद जो हमारे पंचायत का विकास हुआ है बहुत ही बेहतरीन हुआ है, लेकिन बेलागंज में ही हमने न्यूज पर दिखाया था हसनपुर जगह है जहां अभी तक लाइन से रेल के पटरी से लोग जा रहे हैं, वो जो पंचायत है इसी पंचायत के बगल में है आगे में, लेकिन देखिए जहां का नेतृत्व अगर कमजोर होता है तो निश्चित तौर पर उस पंचायत का विकास कभी नहीं हो सकता है। बिहार टुडे न्यूज में आपका स्वागत है मैम मंजू देवी जी, आप प्रत्याशी हैं, वर्तमान में आप मुखिया हैं, एक बार अगर जनता यही जनता जो आपके साथ पीछे हो गई है मौका देती है तो आप किस तरह का विकास करेंगे? जी करेंगे, करने की मैं उम्मीद रखती हूँ कि विकास जरूर करेंगे जनता के साथ, इसलिए चुनाव हम लड़ते हैं जनता के साथ रहने के लिए और 24 घंटा जनता के साथ हम उपलब्ध रहते हैं। जनता तो खूब तारीफ कर रही है कि रोड बन गया है, नल जल सब कुछ बन गया है, और ऐसा कौन सा चीज जो आपकी नज़र में जनता के लिए बचा हुआ है पूरा करेंगे? हमारे नज़र में एक ही चीज बचा हुआ है जनता के लिए कि जो यहाँ हम पंचायत सरकार भवन बना दिए हैं मिनी ब्लॉक, और एक हमारा सपना है और यहाँ हॉस्पिटल बना देना। हॉस्पिटल? हाँ, अभी जीत के आएंगे हॉस्पिटल अपने पंचायत में जरूर बना। आपके पंचायत में हाई स्कूल है या नहीं? हाई स्कूल मेरे पंचायत में नहीं है, मिडिल स्कूल। तो हाई स्कूल अगर मौका मिले तो लाने की कोशिश? हाँ, मौका मिलेगा जरूर लाने के लिए, हाई स्कूल हम कोशिश करेंगे। मंजू देवी जी का साफ कहना है कि अगर एक बार फिर से जनता मौका देती है, हमारे पंचायत में मिनी ब्लॉक लाया गया है, अगर जनता मौका देती है तो हम हाई स्कूल भी ला। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल हो जाए, जब रोड होगा हॉस्पिटल होगा, शिक्षा होगा, हमारे जनता को सुविधा मिलेगा, हॉस्पिटल रहेगा तो हाई स्कूल रहेगा तो हमारे नौजवानों को, हमारे बच्ची के लोग के सुविधा मिलेगी पढ़ने लिखने में। आपके पति का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है चुनाव में? उमा शंकर जी का किस तरह का सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, जिस जिस गांव में जा रहे, कौन कौन सा गांव आप घूमे हैं? गांव घूमे हैं नियामतपुर, निहालपुर, शेखपुरा, और से पूरे माने भुलटोली उलटोली है। अच्छा। और वो ये गुरसहाय बिघा। ये जो महिला है कितने दिन से आपके साथ में चल रही हैं? ये मैं चुनाव जहिना से ऐलान हुआ था 24 तारीख के आचार संहिता लगा था, उसके 25 तारीख से महिला। अच्छा, इस बार का जो चुनाव होने वाला है बैलेट पर नहीं होगा, बटन दबाकर होना है, तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण महिलाएं हैं, तो उनको कैसे समझा रही हैं कि मतलब कैसे बटन को दबाना है? और नहीं, दिक्कत ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि महिला हमारी सभी वोट देते हैं बटन से जो विधान। देखिए एक्चुअली क्या है, इनका सही कहना है कि जो पहली बार तो वोट तो हो रहा है पंचायत में, लेकिन आदत सा बन गया है, मुख्यमंत्री का जब चुनाव हुआ था, विधानसभा का और प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, सांसद का, तो उस समय से आदत लगा हुआ है वो बटन सिस्टम का, इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं, सिर्फ बटन संख्या टेम्पू मिला है तो लोगों को कैसे बताते हैं आप जहाँ जाते हैं? बताते हैं, अपने प्रचार ही करते हैं कि हमारा टेम्पू है चुनाव चिन्ह, अच्छा। 4 नंबर पर है, हमारे बटन जरूर दबाइएगा 4 नंबर पर। कब इसका रिजल्ट आएगा आपका? 26/27 का हमारा रिजल्ट है, 24 का मतदान है, 27 का रिजल्ट है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए श्रीमती मंजू देवी जी जो साहब। इस बार अगर जनता मौका देती है तो और क्या करने वाले हैं आप पंचायत में? मिनी ब्लॉक तक ला दिए, और क्या ऐसा चीज जो आपकी नजर में छूट रहा है और बेहतर करेंगे जनता के? उस काम तो छूट रहा है जो छूट गया है, जो नया रहने कल गली नाली हमको पूरे पंचायत में एक इंच नहीं रहना चाहिए। मेरा सपना एक है, एक पंचायत भवन का सपना था वो ला दिए, अगर हॉस्पिटल लावेंगे हॉस्पिटल। हाँ, अभी आपसे आपके धनपति से बात हुई मंजू देवी जी से, उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि हॉस्पिटल ला दें ताकि लोग इलाज कराने बाहर नहीं जाकर अपने पंचायत में ही हो जाए। पंचायत में किस तरह का समर्थन आपको मिलता है? कोई लड़ाई भी नहीं है, सब आदमी हमारे दूर है, सब समाज से सब लोग, सब लोग हम समाज के आदमी को हमारा जो दो को चार को रहते हैं, बाकी सब दूसरे हैं। और जगह जिस तरह से बिहार में चुनाव हो रहा है कि जात पर हो रहा है? हाँ, तो बिहार में सब जगह वही होता है, जाते पर होता है, लेकिन आज तक हम लगातार जीत रहे हैं, हम जात के राजनीति नहीं करते हैं। हर लोग हर हाँ लोग के साथ आपके साथ जो समर्थन देखा जा रहा है महादल से भी लोग हैं सब सब हम तो रोकते हैं ना, तो कम से कम 500-1000 रोज चल जाते जा रहे हैं। 24 तारीख को होगा, फिर 27 तारीख को उसका रिजल्ट आने वाला है। इस बार जो ईवीएम से हो रहा है आपको कैसा लग रहा है? पहले से पहले तो बैलेट पेपर से होता था, अब ईवीएम से हो रहा है, कुछ परेशानी तो होगा जनता को? हाँ, जनता का तो थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन आधा सा लगा हुआ है जो विधानसभा ढंग से दे लेता था उसे तो थोड़ा सा सस्पेंशन में है। इस बार जो विधानसभा में जो चुनाव देते देते आदत हो गया तो उससे तो प्रैक्टिस हो गया होगा। हाँ, वो तो देखिए तो पहला बार ना है, इसलिए थोड़ा सा घटपटी लग रहा, चीज वही है वो विधानसभा में जो MP। आपको किसी से टक्कर नहीं, लड़ाई है हमको किसी से नहीं। आप जनता के लिए अपना क्या कहना चाहेंगे, अपने पंचायत के लोगों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि एक बार मुझे मौका देने से फिर और कैसे बेहतर होगा? बोल ही रहे सब, जान ही रहे जनता कहने के लिए। बेबाकी के साथ ये बोल रहे हैं शंकर सिंह जी, जो कि पति हैं मंजू देवी के। इनका साफ कहना है कि हमने समाज सेवा किया है और हर पंचायत से बेहतर किया है, अगर देखा जा सके, और जिस तरह से उसी का फल है कि हमारे साथ लोग हैं, लोग मेरा शिकायत नहीं कर रहे हैं कि जैसे कि एंटी कन्वेंसिव वोट होता है मुखिया के प्रति, किसी प्रतिनिधि के प्रति जो वर्तमान में रहता है हमारे साथ, ये मामला है ही नहीं। और जब मुझे मौका मिलेगा तो जरूर हम अपने पंचायत में हॉस्पिटल्स का निर्माण करवाएंगे, ताकि हमारे जितने भी जनता हैं कहीं दूर दराज नहीं, मुख्यालय में नहीं जाकर हमारे पंचायत में उनका समुचित इलाज हो सके।